नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिनो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक खुशखबरी है और ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। जब हम दिल्ली में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की बात करते हैं, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जब हम PRT यानी प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर की जब हम बात करते हैं, तो उसके 450 नए पद आ गए हैं। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी दिल्ली PRT स्पेशल एजुकेटर का वेट कर रहे थे, तो भविष्य में जो आपको PRT स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी DTROPSB के माध्यम से, तो उसमें नए पद ये ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों, सैलरी की हम बात करते हैं, तो सैलरी वही आपकी जो नॉर्मल PRT की मिलती है 4200 ग्रेड पे। और आपका आप ये भी आपने देखा होगा कि आप ये सोचते हो PRT TGT PGT में कितना फ़र्क होता है सैलरी में, तो दोस्तों PRT आपकी 4200 ग्रेड पे होती है, TGT 4600 और PGT 4800। तो जब हम फ़र्क की बात करते हैं, तो TGT PGT में तो आपको कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे है, ठीक है। अब हम ग्रोस पे या फिर इन हैंड जो आपको सैलरी रहेगी उसकी बात करते हैं, तो PRT और TGT में तो 3-4-5 हज़ार का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे हम PRT और TGT का कंपेयर करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो चाहे आपको सैलरी कितनी भी देखने को मिले, काफ़ी अभ्यर्थी कंपेयर भी करते हैं अदर स्टेट से कि दिल्ली की TGT PGT PRT पोस्ट की कितनी सैलरी और अदर स्टेट में कितनी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आपकी TGT PGT PRT की अगर आप अदर स्टेट से उसकी तुलना करोगे, तो हमेशा दिल्ली की सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। लमसम ऐसा केस हो सकता है कोई मेट्रो सिटी, उससे आप कंपेयर करो तो आपको बराबर देखने को मिल जाएगी, लेकिन भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की अगर हम गवर्नमेंट टीचर सैलरी की बात करते हैं, तो दिल्ली के आसपास या दिल्ली से कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप किसी स्टेट से कंपेयर भी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर टीचर्स की सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन इसी के अलावा जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो सैलरी होती है, इसमें ये फ़र्क जो HRA मिलता है उत्तर प्रदेश में कम मिलता है, दिल्ली में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इधर भी आपको इसमें भी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और अगर आप किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप जो ग्रोस पे होता है, जो टोटल मतलब इन हैंड नहीं, जो टोटल आपकी सैलरी होती है उससे कंपेयर करना, क्योंकि कुछ स्टेट में क्या होता है, आप जब सैलरी आपकी अकाउंट में आते हैं, तो आपका वैकल्पिक होता है कि आप जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके थ्रू पैसे कटवा रहे नहीं कटवा रहे, लेकिन दिल्ली में काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं इस पर कटवाते हैं, ठीक है। तो ग्रोस पे से अगर आप कंपेयर करोगे, तो सही आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी दिल्ली PRT स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। और साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।